तो अब जाने वाले हैं लाइट हाउस के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे ये क्या बोलते हैं कैप्टन्स वगैरह हैं, इनके साथ मैं बैटल कर चुका हूँ और मैंने इसलिए इन बैटल्स नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी बैटल करीबन 1 घंटे तक चली थी। हाँ, बहुत स्लोली स्लोली बैटल चले जा रही थी और मेरा एलेक्ट्रा किट जो था वो एलेक्ट्रा बस में इवॉल्व हो गया। वो पार्ट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उतने से पार्ट के लिए बहुत पहले हुआ था वो। और यहाँ पर ये जिम लीडर जा चुका है अपने जिम में और अब अपन लोग बैटल कर सकते हैं फाइनली। और बिजली भी वापस आ चुकी है, मतलब तो मैं बताता हूँ बिजली से क्या मतलब है, क्योंकि अभी अपन को जाना है अंदर की ओर। अंदर की ओर इसलिए मतलब जिम के अंदर जाएंगे जब अपन लोग, तो अपन को एक चीज़ पता चलेगी और वो ये है कि ये बैटल ये बात क्यों नहीं कर रहा यार, मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, नहीं करना है तो मत करने दो। तो अब अपन को डायरेक्ट जाना है जिम के अंदर, और जैसे ही जिम के अंदर जाएंगे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि यार एक बहुत सारी पज़ल्स रहती हैं हर जिम में जैसे आपको पता होगा, तो इसके अंदर भी एक पज़ल है वो सॉल्व हो जाएगी बिजली के साथ। बिजली नहीं थी, मैं पहले सोच रहा था कि लाइट हाउस को छोड़ के जिम लीडर पे करूँ क्योंकि लाइट हाउस में तो कुछ होगा नहीं। तो अब जाते हैं जल्दी से, मैं आपको बताता हूँ क्या। तो देखो यहाँ पर ये जो स्विचेस हैं इनके लिए बिजली चाहिए थी क्योंकि पुश ही नहीं हो रहे थे, लेकिन अब देखो यार अच्छा पाथवे बन रहा है तो चलो चलते हैं जल्दी से। हाँ, तो ब्रिज अपेयर हो चुका है, जल्दी जल्दी चलते हैं और जिम लीडर को हराते हैं। ये एपिसोड में ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, बनाने को तो मैं इसको बना सकता हूँ खूब बड़ा जितना मैं नॉर्मल एपिसोड बनाता हूँ, लेकिन यार अपन का जो मेन मकसद है जिम मैच जीतने का वो इस एपिसोड में हो जाएगा। और एक ही एपिसोड में दो दो जिम मैच जीत के करेंगे क्या? हाँ, मैंने फायर रेड के अंदर किया है ऐसा कि मैंने चार मतलब पूरी चारों एलीट फोर की बैटल एक ही बार में दिखा दी थी, जो कि मायने नहीं रखती यार सही में बताऊँ तो। यहाँ पर ये क्या है भाई, जिम लीडर, तो चलो इसको हराते हैं। इलेक्ट्रबस का थंडर पंच देखते हैं कितना असर होता है, और ये असर ओ माय गॉड अच्छा असर हुआ। अपना इलेक्ट्रबस 31 लेवल का है। अरे यार हाइपर पोशन यार बहुत चीटिंग की बात है यार, जिम लीडर होके हाइपर पोशन इस्तेमाल कर रहा है, मैनर्स नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग अब तो जीत सकते हैं और जीत गए। हाँ, ऑक्टेलरी जा चुका है और अब जाते हैं टेंटाकूल। टेंटाकूल के खिलाफ पोकेमॉन चेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, टेंटाकूल देखते हो कौन सा अटैक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा असर नहीं हुआ यार। बबल बीम असर हुआ यार, ज़्यादा हुआ है। एक और थंडर पंच और ये खेल ख़त्म हो चुका है इसका भी, मतलब दो पोकेमॉन तो हरा दिया पपन ने अपने इलेक्ट्रबस ने। और देखते हैं और कौन कौन आते हैं। किंग्रा, एक और थंडर पंच, देखते हैं यार क्या शायद मेरा इलेक्ट्रबस ही पूरी टीम को हरा सकता है, देखते हैं क्या होता है। थंडर पंच नहीं, थंडर पंच पैरालाइज तो हो गया ये, लेकिन अपन का पोकेमॉन फेंट हो चुका है ना, तो अब ग्रोवाइल को चुनते हैं क्योंकि वाटर टाइप के खिलाफ यार मैं क्या ही चूज़ करूँ, इससे अच्छा ग्रोवाइल को ही करें। परस्यूट अच्छा सा नहीं हो रहा यार, परस्यूट ट्विस्टर भाई, इसके पास ट्विस्टर क्यों है यार, ट्विस्टर तो एक वैसा अटैक है। चलो कोई बात नहीं, गीगर ड्रेन से तो ख़त्म हो ही नहीं जाएगा। अब ये असर क्यों नहीं हुआ गीगर ड्रेन, चलो गीगर ड्रेन अब की बार तो हो जाएगा पूरा असर, हो गया असर और जीत चुका है अपना ग्रोवाइल। अब देखते हैं अगला पोकेमॉन कौन सा रहता है, गैराडोस ना हो बस। अरे यार जिसका डर था वही निकला यार गैराडोस, तो चलो यार गैराडोस के खिलाफ ग्रोवाइल को इस्तेमाल करते हैं। गीगर ड्रेनी थ्रास, थ्रास तो यार पूरा ही थ्रास कर दिया इसने तो। एक थ्रास अटैक एक फाइटिंग टाइप मूव है यार, लेकिन चलो जोरुआ को चुनते हैं। अब जोरुआ को चुनने का क्या कारण है, चलो देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, रिवाइव इस्तेमाल कर लेता हूँ किस पर, इलेक्ट्रबस पर, इसलिए जोरुआ चुना मैंने और जोरुआ गया। मेरे को पता था यार जोरुआ ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, अपन लोग काम करते हैं लार्विटार को चुनते हैं और उसको पोशन दे देते हैं। कहाँ है पोशन, हाइपर पोशन, और ये गया हाइपर पोशन भी पूरा हो गया, सुपर देना चाहिए था लेकिन ठीक है थ्रास से ख़त्म। यार मेरे को पता है लार्विटार भी हार जाएगा, इतनी उम्मीद नहीं है लार्विटार से क्योंकि उनके लेवल ही नहीं है। लेकिन अब अपन लोग एक काम करते हैं, ऐश को चुने क्या, पहले ऐश को चुनते हैं, अपने पास दो पोकेमॉन और बचे हैं ऐश के बाद। और ये क्या कन्फ्यूजन, क्या ही है ये, क्या है ये, और ये है ये, कन्फ्यूजन हो रहा है वो उसको। आइस बीम असर तो कर रही है, बाइट इस्तेमाल करें क्या, ड्रैगन रेज यार पूरा ख़त्म कर देगा लगता है। नहीं हुआ नहीं हुआ, मतलब ड्रैगन टाइप का ज़्यादा असर नहीं हुआ यार ऐश के ऊपर, अच्छी बात है यार ये। और देखते हैं ये कौन सा अटैक है, ड्रैगन रेज, ओहो हो ड्रैगन रेज कुछ ज़्यादा ही खतरनाक असर है, लेकिन अपना आयरन टेल ने तो बिल्कुल ही असर नहीं किया यार। चलो लेकिन अच्छी बात है लेफ्ट ओवर लगा है, लेकिन लेफ्ट ओवर का फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसके अटैक पहले हो रहे हैं यार। लो बाइट से ख़त्म कहानी, अब अपने पास दो पोकेमॉन बचे हैं, इलेक्ट्रबस को चूज करते हैं अब अपन लोग। इलेक्ट्रबस थंडर पंच इलेक्ट्रबस, और खेल ख़त्म और अपन लोग जीत चुके हैं, गैराडोस को हरा दिया। और अपन लोग कौन सा जिम बैच जीते हैं, बैच देखते हैं कौन सा बैच अपन ने जीता है, और अपन ने जीता है सी बैच।
सी बैच, बस इतना सा यार, सी बैच ही नाम है इसका। और अपन ने TM03 देख लिया जो कि है वाटर पल्स का, देंगे किसी ना किसी पोकेमोन को तो देंगे। वाटर पल्स बहुत अच्छा अटैक है, इससे कन्फ्यूजन भी हो जाता है पोकेमोन को। और मैं सोच रहा हूँ आज का एपिसोड बस यहीं पर ही सेव कर देते हैं गेम को और ख़त्म करते हैं, क्योंकि यार मैं इतना मायने नहीं रख रहा हूँ। सिर्फ जो मेन एम था वो अपन ने जिम बैग तो जीत लिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, पहले वाटर पल्स दे देते हैं। कोई सा भी अटैक मैं हटा देता हूँ। आयरन टेल हटाऊँ क्या? आयरन वाटर गन हटा दूँ क्या? वाटर गन, क्योंकि वाटर टाइप एक अटैक तो डाल ही रहे ना यार। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।